यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की 100 प्रॉब्लम और 100 सॉल्यूशन के डे नंबर 14 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सर रेफरेंस बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो भैया सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ, हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न के अंदर आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम, बहुत अच्छी किताब होती है, सारे फैक्ट्स कंसाइज में लिखे हुए हैं। एंशियंट के अंदर आर एस शर्मा और मेडिकल के अंदर सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं आप। अगर आप ये तीन किताबें पढ़ के जाते हैं तो हिस्ट्री काफ़ी हद तक अपनी कवर हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी के लिए बेसिकली कोई एक किताब अगर मैं बोलूँगा जो सबसे बेहतरीन मुझे लगती है वो है शंकर गणेश और उसके संग करंट अफेयर्स। अगर आप ये शंकर गणेश को पढ़ लेते हो, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो, आपका काम गुजारा चाहिए। फिर तीसरी बात आती है सर ज्योग्राफी, तो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी जो है आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए काफ़ी सवाल इनमें से आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो कि पढ़नी ही है आपको, और पूरी नहीं पढ़नी है लक्ष्मीकांत पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने सिलेबस के हिसाब से। लक्ष्मीकांत से 50% पढ़नी है, 30% के बाद फिर करंट अफेयर्स को भी एक बार पॉलिटी के देख ले रहा है। फिर अपन बात करते हैं सर एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट के अंदर अगेन करंट अफेयर्स, उसके संग अगर आपके पास टाइम है तो माजिद हुसैन को आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, तो करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ। अब नेक्स्ट सवाल आता है सर और क्या करना है, तो भैया क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, छूट ना जाए वीडियो में।